हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। आप लोग तो फ्लिपकार्ट यूज करते ही होंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से खरीदते होंगे, लेकिन आप लोगों को यही नहीं पता है कि अभी जो आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदे तो आप अगले मंथ उसका पैसे कैसे पेड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। मान लीजिए आप इस मंथ सामान खरीदे और अगले मंथ आप पैसे पेड कर सकते हैं तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। ये एक लोन के तरह काम करता है। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है और आपको किस तरह से ये फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन आपको मिलेगा और कितने आपको यहाँ पे लिमिट आपको मिलेंगे, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा सारा कुछ। अगर मैं चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वीडियो शुरू करता हूँ। स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपल सा फ्लिपकार्ट खोल लेना है, जैसे मैं आप स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ फ्लिपकार्ट खोल लेना है और सर्च में जाके आपको सर्च करना है फ्लिपकार्ट पे लेटर। अब जैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्च करेगा तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस खोल के सामने आएगा। आप देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर शो कर रहा है तो उसके राइट साइड जो है उस पर क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करें देखिए यहाँ पे शॉप नाउ पे नेक्स्ट मंथ यहाँ पे आपको शो कर रहा है, शॉप नाउ और पे नेक्स्ट मंथ। इस मंथ शॉप करिए और अगले मंथ आप पैसे पे करिए, इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा आपको 5000 रुपये का, 30 सेकेंड एप्लीकेशन प्रोसेस में लगेगा और 35 दिन का आपको क्रेडिट का दिया जाएगा। मतलब आप 1 तारीख को खरीदिएगा तो आप 5 या 10 के बीच में आप वहाँ पे पैसे पेड कर सकते हैं। यहाँ पे मिंत्रा में भी आपको ये ऑफर मिल जाएगा, 1000 रुपये का आपको छूट मिल जाता है जब भी ऑफर आता है और 500 का। यहाँ पे बहुत सारे कुछ आप देखें, आप उसे पढ़ लीजिएगा, फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करिएगा। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए कुछ आपको पूरा इस तरह का इंटरफेस खोल के सामने। अब आपको यहाँ पे एंटर अपना पैन नंबर डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फिर से यहाँ पे बैक आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे फिर से आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप वहाँ से भी चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट में भी आप जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का है, फ्लिपकार्ट एक्सिनो, वहाँ से भी आप वहाँ पर खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दिया, अब यहाँ पर आपको पैन नंबर आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर पैन नंबर आप डाल लीजिए अपना, उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपना जो आधार है वो आधार आपको वेरीफाइड हो गया पैन नंबर, अब यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे वेरीफाई पे क्लिक करिएगा तो कंप्लीट केवाईसी भी तो आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको ओटीपी जाएगा, जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अब जैसे वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। अब आपको रिव्यू एंड सबमिट करना, मतलब सारा डिटेल आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, अब आप उसे देख सकते हैं। फिर आई एग्री बटन पे क्लिक करिएगा, आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे सबमिट बटन पे क्लिक कर तो पूरा आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, कंप्लीटिंग केवाईसी यहाँ पर दिखा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है आपका फ्लिपकार्ट के पे लेटर का जो ऑप्शन है, जो 5000 रुपये जो क्रेडिट है वो आपका अकाउंट यहाँ पे खुल गया है, मतलब आप 5000 रुपये जो है इसमें आप यूज कर सकते हो। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर पे नेक्स्ट मंथ यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे देखिए मिंत्रा में भी यहाँ पे ऑफर ये चलता है और 2GUD में भी चलता है। तो अब एक्टिव माई अकाउंट को करूँगा मैं क्लिक, एक्टिवेट माई अकाउंट पर जैसे क्लिक करूँगा तो आपको वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है जिस भी अकाउंट से आप पैसे पेड करिएगा फ्लिपकार्ट पे लेटर में, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ डाल देना है। वो अकाउंट नंबर आप फिल कर लीजिएगा, फिर उसके नीचे में अकाउंट नंबर फिल करके वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर IFSC कोड डाल दीजिएगा, ब्रांच IFSC कोड, उसके बाद सबमिट बटन पर। देखिए आपका यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे ये होगा तो आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट कर दिया जाएगा जिससे पता चले कि ये सही अकाउंट है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है मैसेज में आया है क्रेडिट 1 रुपीज़ ऑन योर इतना अकाउंट, अब अकाउंट में जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। अब यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग पे मैं आपको अब क्लिक करके दिखाऊंगा, मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आपको क्लिक करके दिखाऊंगा जिससे आपको ये पता चल सके फ्लिपकार्ट पे लेटर कैसे यूज होता है और किस तरह से काम करता था। मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर भी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करके दिखाऊंगा, अब यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं पेड करने का, लेकिन मैं हम लोग फ्लिपकार्ट पे लेटर का बात कर रहे हैं तो हम लोग फ्लिपकार्ट पे लेटर से प्रोडक्ट को कर देंगे और सारा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड जानेंगे ये किस तरह से काम करता है। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करें देखिए ये रिडायरेक्ट हो गया और ये ऑर्डर जो है ये प्लेस हो गया। देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया
और वहाँ पे मैसेज भी आपका आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे है फ्लिपकार्ट पे लेटर किस तरह से काम करता। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ कि किस तरह से फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन फ्लिपकार्ट में ले सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो एक लाइक करते जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब किया दोस्तों में शेयर किया। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नेट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।